दोस्तों, डंकी को लेकर राजकुमार हिरानी का बड़ा बयान सामने आया है। डंकी बॉक्स ऑफिस को लेकर राजू हिरानी कहते हैं कि उनकी फिल्म डंकी फिलहाल ग्लोबल हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। यानी दोस्तों, डंकी ने अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और फिल्म सुपर ब्लॉक हो चुकी है। फिल्म ने जो छपर फाड़ कमाई की है, ये इस साल की नॉन एक्शन फिल्मों में पहले नंबर पर राज कर रही हैं। फिल्म 300 से 400 करोड़ दुनिया भर से कर चुकी है। शाहरुख की फिल्मों का जितना हाइप इंडिया में होता है, उतना ही विदेशों में भी क्रेज होता है। डंकी की धमाकेदार क्रेज देख लोगों के होश उड़ गए हैं। वही दोस्तों, डंकी का पूरे इंडिया में बवाल मचा रही है। डंकी का असली धमाका होना शुरू हो चुका है। वही डंकी देश भर में धूम मचा रही है। लोगों में फिल्म का अलग ही क्रेज है। डंकी हार्डी और उसके 4 दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाना चाहते हैं ताकि अपना करियर बना सके। लेकिन लंदन जाते जाते ही उनके हालात खराब हो जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि अपना देश ही सबसे अच्छा है, लेकिन अब वापस आने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डंकी में शाहरुख के अलावा विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमान ईरानी और विक्रम जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। वही दोस्तों, डंकी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नजर आ रही है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और 3 इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सालार शुरुआत में अच्छी कलेक्शन करेगी क्योंकि एक्शन फिल्म है, उसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, लेकिन डंकी एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रही है।